खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर यह हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, यह पढ़े और उसे चैन मिले, यह पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है यह कुछ बच्चों को नाउम्मीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे, उन्हें यकीन रहे कि वो जहां भी हैं खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवाज से सारा आसमान रोशन हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव एकेडमी में। मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं क्रिएटिव एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी, आबकारी विभाग सहायक लेखाकार कनिष्ठ संप्रेक्षक 2014 के प्रश्न पत्र की, जिसमें हमने पहली 20 क्वेश्चंस के ऊपर व्याख्यान सहित उनके आंसर के ऊपर बात की थी। इसी सीरीज की अगली वीडियो लेकर मैं आ गया हूँ, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का एक बटन सब्सक्राइब का दिखेगा, तो अगर आप नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन को दबाकर और उसके सामने बेल का जो साइन आ रहा है उससे हमारा नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचा सके। दो हजार एक से 11 की दशाब्दी के दौरान भारत की जनसंख्या में कुल 17.64% की वृद्धि हुई है कि ग्रीनविच मानक समय और भारतीय मानक समय में प्लस 5.5 घंटे का अंतर है। आई थिंक इस पे कोई डिस्क्रिप्शन देना नहीं पड़ेगा। अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास कहते हैं, तो अर्जेंटीना में घास के जो मैदान है इनको पंपास कहते हैं। तो घास के मैदान की बात की जाए तो उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरीज, अमेजन नदी और उत्तरी ओरनिको बेसिन के पास इसको लानोज, अमेजन के दक्षिण भाग में या ब्राजील में इसको कंपास, ब्राजील के उष्ण कटिबंधीय वन में इसको कटिंगा, अफ्रीका में पार्कलैंड, दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना के मैदानी जो भाग हैं इनमें इसको पंपास, दक्षिणी अफ्रीका के भूमध्य सागरीय जलवायु में इसको वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन्स, यूरेशिया में इसको स्टेपीज बोलते हैं और उत्तराखंड में घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, एल्यूमिनियम विनिर्माण का प्रमुख स्रोत क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए थे इसमें, तो इसका आंसर हमारा बॉक्साइट अयस्क है, जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ठीक है, इसका आंसर हमारा ए होगा। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर हमारा अल्फ्रेड वेगनर है। तो दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर ने 1920 में एक सिद्धांत दिया था जिसे हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन कहते हैं। इस आर्टिकल को 1915 में सबसे पहले द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन ने पब्लिश किया था। तो इसका आंसर अल्फ्रेड वेगनर है, जिसने 1920 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। इसके बाद पृथ्वी की अंतरतम परत के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है? तो दोस्तों, सिलिका फॉर श्योर है, इसके बाद निकिल के भी कुछ पार्ट्स हैं, तो काफी कंफ्यूजिंग ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो चलिए, तो अर्थ इज मेड अप ऑफ बाय मेनी थिंग्स, अबव द कोर इज अर्थ मेंटल। तो अंतरिम की बात कर रहे हैं तो हमें जाना होगा कोर में, तो कोर के लिए द कोर ऑफ अर्थ मेंटल विच इज मेड अप ऑफ रॉक कंटेनिंग सिलिकन, आयरन एंड मैग्नीशियम एल्यूमिनियम। तो देखिए, यहाँ पे सिलिकन भी है, मैग्नीशियम भी है और एल्यूमिनियम भी है, लेकिन और रिसर्च करने के बाद इसमें जो अर्थ का कोर है ये मेनली आयरन और निकल से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद आयरन जो है, आयरन मैग्नीशियम सिलिकेट से बना हुआ है, तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इसका आंसर सिलिका और मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम और सिलिकेट इसका सही आंसर है। इसके बाद निम्न में से किसे अग्निवृत कहते हैं? तो ये है परिप्रशांत महासागरीय पेटी को। तो दोस्तों, इसमें हमें प्रशांत महासागर जो है
इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रशांत महासागर लार्जेस्ट और डीपेस्ट अर्थ्स ओशियन में एक है। पैसिफिक ओशियन की अगर बात की जाए तो इसकी बाउंड्री जो है आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया जो कि वेस्ट में है, और अमेरिका, इन सबके बीच का पार्ट है, जो कि लगभग 165.25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। लगभग 46% ये अर्थ का एरिया कवर कर रहा है। इसके बाद भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं प्रतिस्थापित की गई है। तो जी हाँ, अनुच्छेद 19 के तहत भारत के नागरिकों को 6 अधिकार मिलते हैं, जिनमें विचार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिना शस्त्र के शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन, संघ और सहकारी संघ बनाने की स्वतंत्रता, स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में बस जाने की, और आखिरी में व्यापार और व्यवसाय को स्वतंत्रता शामिल है। चलिए इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न रेखाओं में से भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा गुजरती है। इसके लिए कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, एक प्रश्न यह भी बन जाता है। तो इसके लिए फॉर्मूला है जगुराम छपमित्र, जो कि हमने अपने शॉर्ट ट्रिक्स में बताया हुआ भी है। वहां से आप शॉर्ट ट्रिक्स देखकर काफी सारे क्वेश्चन याद भी कर सकते हैं। तो जगुराम छपमित्र का भी बता देता हूँ, झ से झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पौध से पश्चिम बंगाल, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। तो ये हमारे 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हुए छोड़ सकता है? ऑप्शन प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या उपराष्ट्रपति को। तो दोस्तों इसका आंसर उपराष्ट्रपति है। भारत का राष्ट्रपति यदि अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वो भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है, और इसकी सूचना वो लोकसभा के अध्यक्ष को भी दे देगा। राष्ट्रपति पर आधारित भी एक वीडियो हमने रिसेंटली अपलोड की है। तो ज्यादा जानकारी के लिए कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो बिल्कुल आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में रख देंगे या ऊपर कार्ड में आपको मिल जाएगा। इसके बाद अंतरिम सरकार, जिसकी स्थापना 14 अगस्त 1947 को की गई थी, उसके मुखिया कौन थे? तो बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू ही इसके मुखिया थे। तो मेंबर्स ऑफ द एंट्रिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अगस्त 1946 तो कांग्रेस डिसाइडेड टू जॉइन द एंट्रिम गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्सिबल टू कॉल द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ पावर। ओके, द एंट्रिम गवर्नमेंट व्हिच अज्यूम्ड ऑफिस ऑन 2nd सितंबर ऑफ 1946 कंसीडर्ड ऑफ द फॉलोइंग पर्संस। तो इसमें लॉर्ड वेवल जो थे गवर्नर जनरल थे, प्रेसिडेंट इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिनकी अध्यक्षता में ये कमेटी तैयार की गई थी। तो इसमें लॉर्ड वेवल के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्हें वाइस प्रेसिडेंट और एक्सटर्नल अफेयर्स कॉमनवेल्थ रिलेशंस डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया गया था। तो इसका हमारा मुखिया में वल्लभ भाई पटेल, जी वी पंत और राजेंद्र प्रसाद तो नहीं है ऑब्वियसली, तो हमारा जवाहरलाल नेहरू इसमें सही आंसर है। इसके बाद भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, इसके ऊपर तो अभी हम आगे एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, और ये 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। इसके बाद क्योंकि भारत में पूर्ण स्वराज्य की मांग 26 जनवरी 1930 को की गई थी, तो इस डेट को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1950 को जो कि आने वाली थी उसमें हम अपने संविधान को लागू करेंगे। तो इसका आंसर बी है, इसमें अंगीकृत किया गया है लिखा है। लागू करने की बात होती तो 26 जनवरी 1950 इसका आंसर होता, पर बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था, तो इसीलिए इसका आंसर बी है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उनकी उम्र 65 ईयर न हो जाए। इसके प्रूफ के लिए हमारे पास 2013 की एक न्यूज है, आप देख लीजिए, इंक्रीज रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज टू 68 इयर्स, ये पीआईएल फाइल हुई थी। तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम प्रेजेंट 65 ईयर टू 68 ईयर, तो अभी भी है 65 ईयर ही है, 68 पर अभी कोई काम ही नहीं हुआ है, तो 65 इसका सही आंसर है। इसके बाद वन महोत्सव की बात की जाए, वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वन महोत्सव जो है ये एनुअल ट्री प्लांटिंग मूवमेंट इंडिया में मनाया जाता है, जो कि 1950 में शुरू किया गया था। तो इसको फेस्टिवल ऑफ ट्रीज भी कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं
1 जुलाई से 7 जुलाई तक ये मनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो भारत में औद्योगिक विकास के लिए प्रथम औद्योगिक नीति कब बनाई गई थी? तो आयोग ने इसका आंसर 1956 लिखा है, लेकिन यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अभी तक भारत में 6 बार औद्योगिक नीति की घोषणा की जा चुकी है। तो इसमें पहली औद्योगिक जो नीति आई थी ये 1948 में आ गई थी, तो इसीलिए इसका आंसर जो है बी ना होकर डी है, 1948 में। इससे संबंधित और जानकारी के लिए हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, वहाँ पर औद्योगिक विकास के लिए जो औद्योगिक नीति बनती है ये क्यों बनती है, इसके क्या कारण होते हैं, वो सभी हमने वहाँ पर बताया हुआ है, ये सब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद राजकोषीय नीति का प्रमुख अंग क्या होता है? उत्पादन नीति, कर नीति, मुद्रा नीति या फिर ब्याज दर नीति? तो राजकोषीय नीति का जो प्रमुख अंग है कर स्तर और ढांचे में परिवर्तन और विभिन्न मदों में सरकार द्वारा किया गया व्यय में परिवर्तन। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा कर स्तर है, बिल्कुल इसका आंसर कर नीति होगा। राजकोषीय नीति का प्रमुख अंग यहाँ पर कर नीति सही आंसर होगा। इसके बाद भारत में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर है 1 जून 2000 को। दोस्तों तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी कि फेमा 1973 से प्रभावित जो विदेशी मुद्रा नियमन जो अधिनियम था यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट फेरा जो था, तो इसके स्थान पर 1 जून 2000 को नया विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा लागू किया गया। इसके बाद भारत में एक्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई, ये वन लाइनर है। तो हमें जो भी इम्पोर्टेंट और इंटरनेशनल बैंक्स हैं ये कब इस्टेब्लिश किए गए, जैसे कि नाबार्ड या और भी जो बैंक है इस्टेब्लिश किए गए, नाबार्ड हो गया, महिला बैंक हो गया, और इस टाइप के करंट अफेयर जो होगा वो पूछा जा सकता है, तो उस पर भी हम ध्यान रखेंगे। इसके बाद टाइडल पार्क हमारा चेन्नई में है, टाइडल पार्क जो है ये एक आईटी पार्क है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के दूसरी वीडियो के अगले 20 प्रश्न, उम्मीद है आप सभी को पसंद आए होंगे। और जी हाँ, साथ में ही आप हमारे फेसबुक और ब्लॉगर इंस्टाग्राम से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे मैक्सिमम लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ क्रिएटिव एकेडमी में। फिलहाल मैं चलता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।